नमस्कार भाइयों और बहनों, जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको जिस औषधीय वृक्ष का परिचय कराने वाले हैं, वह शायद आपने अभी तक नहीं देखा होगा, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। यह एक चमत्कारी औषधीय वृक्ष है जिसका नाम है कंठ की पलाश, गधा पलाश और गधेली आदि नाम से भी इसको जानते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी और फायदे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको हमेशा काम आएगी। कंठ की पलाश मध्यम आकार का वृक्ष होता है जिसके पत्ते पलाश के पत्तों की तरह दिखते हैं एवं तीन तीन के जोड़ में होते हैं। गर्मियों के मौसम में इस पर इस तरह के फूल खिलते हैं एवं सारे पत्ते झड़ जाते हैं। इसके फूल देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और फूल गुच्छों में होते हैं। जब इसके फूल झड़ने लगते हैं तो इस पर इस तरह की फलियां लगती हैं और यदि इन फलियों को तोड़ा जाए तो इनके अंदर बीज निकलते हैं, लेकिन ये अभी कच्ची अवस्था में है इसलिए इसके बीज इस तरह के आपको नजर आ रहे हैं। इस पेड़ का तना इस प्रकार का होता है जिससे इसको आसानी से पहचाना जा सकता है, वरना इसके फूल आने पर ही इसकी पहचान हो पाती है, क्योंकि ये पलाश के पेड़ की तरह दिखता है। इस वृक्ष को और भी कई नामों से जाना पहचाना जाता है, जैसे कि संस्कृत में इसको कंटक की पलाश, परिजातक रक्त पुष्पाहा, हिंदी में फरहद धोबी पलाश, गधा पलाश, गधेली, उर्दू में फरहाद, उड़िया में मोनदारो, कन्नड़ में होंगेर, गुजराती में पांडे रवो, तमिल में कल्याण मुरुक्कु, मराठी में परांगड़ा, अंग्रेजी में इंडियन कोरल टी और इसका वनस्पतिक नाम है एरिथ्रिना वेरीगेटा। आपकी भाषा में इस वृक्ष को क्या नाम से जानते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आयुर्वेदिक मतानुसार गधा पलाश तीक्त कटु उष्ण लघु कफवात शामक पथ्य तथा दीपन होता है। यह शोध मेद कृमि कर्ण रोग प्रमेह तथा आलोचक नाशक होता है। इसके पत्ते पित्त रोग तथा कर्ण रोग नाशक होते हैं। आइए अब जानते हैं धोबी पलाश के वो औषधीय फायदे जिनका प्रयोग करके हम विभिन्न रोगों को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा। दांतों में होने वाला दर्द एवं मसूड़ों की सूजन, मुंह से दुर्गंध आना, मसूड़ों से खून आना आदि मुख रोगों के लिए इसके पत्तों का रस बहुत ही लाभकारी है। इसके पत्तों को पानी में उबाल कर कुल्ला करने से लाभ होता है, या फिर इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर एक चुटकी नमक डालकर गरारे करने से भी बहुत लाभ मिलता है। इसका अगला प्रयोग है कान में दर्द होने पर। इसके पत्तों का स्वरस दो दो बूंद कान में टपकाने से कान में होने वाला दर्द ठीक हो जाता है। यह खांसी रोग को भी ठीक करता है। इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से खांसी ठीक हो जाती है। इसके बाद इसी प्रकार से एक अगला प्रयोग है अम्लपित्त यानी कि हाइपर एसिडिटी। इसके पत्ते और आंवला दोनों को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाने से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इसके बाद इसका अगला प्रयोग है जोड़ों के दर्द और सूजन को दूर करने के लिए। इसके पत्तों पर अरंडी का तेल लगाकर थोड़ा गुनगुना करके पीड़ित स्थान पर बांध देने से सूजन और दर्द ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से इसके पत्तों का एक और प्रयोग है, इसके पत्तों का रस और अरंडी का तेल दोनों बराबर मात्रा में लेकर 4 से 5 ml पिलाने से पेचिस, प्रवाहिका आदि रोग ठीक हो जाते हैं, तथा इसकी छाल का काढ़ा बनाकर पिलाने से रक्त अतिसार, खूनी दस्त आदि में बहुत ही लाभ होता है। इसका अगला प्रयोग है मूत्र विकारों के लिए। मूत्र रोग, मूत्र कुचु, प्रमेह आदि में 10 से 5 ml पत्तों का रस पिलाने से लाभ होता है। इसके बाद मानसिक विकारों में 10 से 20 ml इसके पत्तों का क्वाथ बनाकर देने से लाभ होता है। अगले प्रयोग में पेट में कीड़े होने पर यह बहुत ही अच्छा लाभ करता है। इसके पत्तों का रस निकालें, लगभग 5 ml और बराबर मात्रा में शहद मिलाकर पिला दें। सुबह शाम 2-3 दिन पिलाने से पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अजीर्ण रोग में इसके पत्तों का क्वाथ बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद घाव और सूजन हो जाने पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है और सूजन भी तुरंत ठीक हो जाती है। मित्रों, यदि आप भी इस गधा पलाश के बारे में कुछ विशेष जानकारी रखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हो सकता है आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए, इसलिए कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप समय पर देख पाएं। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी।
मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।